हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप इग्नू से माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होता है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको क्यों चाहिए होता है। तो सभी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने का रूल अलग अलग होता है, पर इग्नू में अलग है। इग्नू में क्या होता है कि जब आप अपना डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तभी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने बैचलर डिग्री इग्नू से किया है और मास्टर डिग्री भी आप करना चाहते हैं, लेकिन मास्टर डिग्री आप किसी और यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और अगर आप बैचलर डिग्री इग्नू से करते हैं और मास्टर डिग्री भी इग्नू से ही करते हैं तो ऐसे में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। उसी कंडीशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है जब आप बैचलर डिग्री इग्नू से करते हैं और मास्टर डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तब ऐसे में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बात करते हैं कि आप इसको बनवा कैसे सकते हैं। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होता है इस फॉर्म के थ्रू। अब इसको आप भरेंगे कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डालना होगा, और यहाँ पर आपके फादर का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस डालेंगे जिस एड्रेस के साथ आपके साथ कम्युनिकेट किया जा सके, और यहाँ पर आप अपने लास्ट एग्जाम का डिटेल्स देंगे। और यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि आपका प्रोग्राम कोड क्या है जिसका एग्जाम आपने पास किया है। यहाँ पर आप पासिंग ईयर डालेंगे, यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, और यहाँ पर आपको टोटल कितना नंबर आया है वो डालेंगे, और ये अगर ग्रेड में नंबर दिया गया है तो यहाँ पर आप ग्रेड का डिटेल्स देंगे, और यहाँ पर डालेंगे आपके जो भी रीजनल सेंटर का नाम है और स्टडी सेंटर का नाम है तो उसको आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे। और यहाँ पर आपको ये देना होगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में माइग्रेट होना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे, यानी कि मास्टर डिग्री आप जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं उसका नाम आप यहां पर पूरा लिख देंगे। और उसके बाद देखिए, जब आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको पेमेंट भी करना होता है जिसका डिटेल आपको यहां पर देना होगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको जो है 500 रुपए का पेमेंट करना होता है, 500 रुपीज का। तो यहां पर आप क्या क्या डिटेल्स डालेंगे उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद यहां पर नीचे करेंगे तो यहां पर इनके कुछ टर्म एंड कंडीशन है तो उसको आप यहां पर देख लेना, और यहां पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। और यहाँ पर ये जो एरिया है इसे आपको नहीं भरना होगा, जो रीजनल सेंटर के डायरेक्टर है वो इसे खुद ही भर लेंगे। और यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको 500 रुपए का पेमेंट करना होता है, और पेमेंट जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से फेवर ऑफ इग्नू, और पेबल आपका जो भी रीजनल सेंटर का नाम है वो रहेगा। और देखिए, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो आपको डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल्स देना होगा, यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना होगा, 500 रुपीज लिखेंगे, और डिमांड ड्राफ्ट का नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर आपने डिमांड ड्राफ्ट कब बनवाया है डेट लिखेंगे, और कौन से बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और कौन से प्लेस से आपने डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और अगर आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो अब इस चीज को ऑनलाइन भी कर दिया गया है, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस पोर्टल से ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसका जो शुरुआत है वो कुछ दिन पहले ही किया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने फादर का या फिर मदर का नाम लिखेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम कोड लिखेंगे, यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो लिखेंगे, और यहाँ पर आपको पर्पज में ये सिलेक्ट करना होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस लिए फीस पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फीस लिखेंगे, यहाँ पर आप 500 इस तरीके से लिख देंगे कि आप 500 रुपए का पेमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ पर रिमार्क में अगर कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसको आपको यहाँ पर डालना होगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो पेमेंट का पोर्टल है वो ओपन होकर के आ जाएगा, और पेमेंट पोर्टल पर आपको सभी ऑप्शन दिए जाते हैं।
हैं। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और साथ ही में आप यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। जब आप सक्सेसफुली पेमेंट कर देंगे तो एक पेमेंट स्लिप जनरेट किया जाएगा, जिसका आपको प्रिंट आउट लेना होगा। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा। सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट का जो रिसिप्ट होगा वो आपको अटैच करना होगा, और अगर आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो वो आपको अटैच करना होगा। और साथ ही में देखिए जो आपको मार्कशीट दिया गया है वो आपको अटैच करना होगा, इसका जेरोक्स कॉपी, और जेरोक्स कॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। और अगर आपको डिग्री मिल गया है तो डिग्री का भी जेरोक्स कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। और अगर आपको डिग्री नहीं मिला है तो जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा इसको भी आप सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। और इग्नू का जो आईडी कार्ड है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आईडी कार्ड नहीं बताया गया है, पर आप अटैच कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको इसके साथ अटैच करना होगा। तो क्या क्या जेरोक्स कॉपी आपको अटैच करना होगा आपको पता चल गया। और उसके बाद देखिए आपको इसे सबमिट कहाँ पर करना होगा। जो आपका रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर पर आपको ये जाकर के सबमिट करना होगा। अगर आप रीजनल सेंटर पर जाकर के सबमिट करते हैं तो जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। और अगर आप इसको कॉरियर के माध्यम से रीजनल सेंटर पर भिजवाते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका जो है 10 दिन में इशू कर दिया जाएगा और बाय पोस्ट जो है आपके घर पर भेज दिया जाएगा। आप अपने रीजनल सेंटर का एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए आप ये पोर्टल पर आएंगे और यहाँ पर सभी का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपका रीजनल सेंटर दिल्ली 3 है तो इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल में रीजनल सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पटना है तो पटना पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये आपको रीजनल सेंटर का एड्रेस मिल जाता है। तो इस तरीके से आप रीजनल सेंटर का एड्रेस निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाते हैं और अगर वो आपसे खो जाता है या फिर खराब हो जाता है तो आप डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी निकलवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 रुपए का पेमेंट फिर से करना होगा। और साथ ही में आपको एक एफिडेविट भी बनवाना होगा, जिस पर 10 रुपए का स्टैम्प भी आपको लगवाना होगा, और साथ ही में आपको मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर भी करवाने होंगे, और यहाँ पर ये सभी डिटेल्स आपको भरना होगा। और आप इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड करते हैं, अगर आपको ये पुराना वाला फॉर्म मिलता है तो इसको आप इग्नोर कीजिए। इग्नू के तरफ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अब ये नया फॉर्म आपको दिया गया है, तो इसे आपको भरना होगा। इसका लिंक नीचे दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको माइग्रेशन